आज का व्लॉग हर्मिट केव्स के नाम, हर्मिट केव्स के लिए निकलने जा रहे हैं। देखते हैं कि लड़कियों की क्या तैयारी है। से हाय बाबा। कहीं पे भी जाने से पहले आर्या का खाना खाना ज़रूरी है। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अपने छोटे छोटे से पैरट्स, मैंने एज अ हॉबी पाले हुए हैं। तो जाने से पहले मेक श्योर करना होता है कि उनका खाना पीने का इंतज़ाम है। कहीं पे भी जाने से पहले ये देखें, आप लोग देख सकते हैं एक छोटा सा मेरा केज है, उसके अंदर छोटे से बजीज हैं। ये पांचों जो हैं बच्चे हैं छोटे छोटे, इनके पेरेंट्स भी हैं मेरे पास। वो क्या है कि वो अभी ब्रीड कर रहे हैं। चले आए, आप लोगों को लेके चलते हैं, वो भी दिखाते हैं। खूबसूरत दिन है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है। लेकिन आज की जो जगह जहाँ हम जा रहे हैं वो है हर्मिट केव्स। हर्मिट कहते हैं गोशानशीन लोगों को। गोशानशीन कहे तो वो लोग जो अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से बिल्कुल बेगर्ज़ हो के बिल्कुल अकेले अलग कहीं पर जा के रहना शुरू करते हैं। गोशानशीन बहुत ही मुश्किल उर्दू का वर्ड है जिसका मतलब मुझे भी नहीं पता। कार पार्क में आए, गाड़ी मेरी बाहर पार्क है, लेकिन आपको दिखाएं। ये मेरा ब्रीडिंग केज है, साथ साथ मैं बर्ड्स की ब्रीडिंग भी करवाता रहता हूँ। उसके अंदर उसने अंडे दिए हुए हैं, दिखाती नहीं है, छुपा के रखती है, सब ही आ जाता है। तो चले आए, शुरू करते हैं आज का व्लॉग और चलते हैं हर्मिट केव्स की जानिब। रास्ते में आपको मैं हर्मिट केव्स की एक पूरी कहानी भी दूंगा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, स्टे अराउंड। आज से तकरीबन 100 साल पहले इटली का एक शख्स जिसका नाम विलेरियो रिकेटी था, उसने ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट करने का फैसला किया। शायद ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा फैसला रहा होगा। उस वक्त जब ऑस्ट्रेलिया में रेसिज्म अपनी पीक पे था, वो इंसान एक बहुत बड़े लैंग्वेज बैरियर के साथ यहाँ आ चुका था। कुछ साल गुजारने के बाद उसको एहसास हुआ कि वो यहाँ बिल्कुल अकेला हो चुका है। दर दर की ठोकरें खाने के बाद, दुनिया से तंग आ जाने के बाद, उसने ये दुनिया तर्क करने का फैसला किया और अपनी दुनिया बनाने की तलाश में पैदल निकल पड़ा। कई हफ्तों के सफ़र के बाद वो ग्रिफिथ, ऑस्ट्रेलिया के एक छोटे से शहर ग्रिफिथ की पहाड़ियों में एक केव में आ पहुंचा और यहाँ उसने अपनी छोटी सी जन्नत बनाने का फैसला किया। अपनी ज़िंदगी के तवील 30 साल उसने यहाँ सबसे दूर छुप के गुजारे। इस वक्त में उसने कई टन पत्थर जमा करके इस गार को अपनी जन्नत में बदल दिया। ये केव उस वक्त एक फुली सेल्फ सफिशिएंट घर की तरह थी, लेकिन फिर वर्ल्ड वॉर टू के बाद उसको गवर्नमेंट ने एक डिस्कवर कर लिया और उसके बाद उसको 2 साल जेल में गुजारने पड़े। जेल से छूटने के बाद उसको वापस ऑस्ट्रेलिया से इटली जाना पड़ा, जहां वो अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। लेकिन उसके जाने के बाद जब ये केव डिस्कवर हुई तो ये एक आलीशान नमूना था कि एक अकेला इंसान क्या कुछ करने की सलाहियत रखता है। विलेरियो रिकेटी की लेगेसी आज भी मौजूद है। कैसे हम केव पे पहुंच गए हैं। ये वो स्टोन्स हैं, देखें, ये वो पत्थर हैं जो वो सराउंडिंग के एरिया से कलेक्ट करके लाता था और यहाँ पे उनको ऐसे स्टैक करता था वॉल्स बनाने के लिए। छोटे छोटे पत्थर लगा के उसको एक खूबसूरती देना, उसको अपने रहने काबिल बनाना इस लुकआउट पे। उस टाइम शायद दिन में से कोई भी घर ना बने हो, सिर्फ एक खुला मैदान रहा हो, क्योंकि दिस इज 100 ईयर्स वी आर टॉकिंग। ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी तक उसके बनाए हुए वो एंकर्स के निशान जो वो दीवारों पे छोड़ जाया करते हैं, ये देखें है कि नहीं खूबसूरत। ये कहते हैं कि ये उसका किचन एरिया था, उसका किचन एरिया है।
जहाँ पे वो अपना खाना वगैरह पकाया करता था। देखें कितनी नफासत के साथ एक एक पत्थर को उसकी सही जगह के ऊपर लगाया गया है। ये सिर्फ एक इंसान का काम है, और सिर्फ ये कि उसको पूरी दुनिया से अलग रहना था, अपनी एक छोटी सी दुनिया आबाद करनी थी, और उसने यहाँ पे की। यहाँ पे वो खाना पकाया करता था, यहाँ पे कहते हैं आग लगा के वो प्रॉपर एक निज़ाम बनाया हुआ है। चलते हैं अब केव के अंदर। ये मैंने आपको दिखाया कि ये एंकर्स के निशान दीवारों के ऊपर केव के अंदर, और ये है वो केव। Isn't it amazing? It's absolutely amazing. ये तो थी हर्मिट केव्स आप लोगों के लिए। आप लोगों ने देखा कि कैसे आज से 100 साल पहले भी कोई इंसान यहाँ पर रहा करता था। ऑस्ट्रेलिया की तारीख एक कदीम तारीखों में से एक है। आने वाली वीडियोस में मैं आप लोगों को एबोरिजिनल कल्चर की कुछ हिस्ट्री और उन लोगों के बारे में भी आप लोगों को बताता रहूँगा। मेरे चैनल औरन के व्लॉग्स को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आप लोगों के लिए और इस तरीके की वीडियोस बनाता रहूँ।